नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर विकास पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर विकास पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों आप लोगों के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है, हम सबसे पहले बात करेंगे भैंस के लिए। तो भैंस में पहला पॉइंट हमारा है कि जो भारतीय भैंस होती है इन्हें क्या कहते हैं, तो भारतीय भैंस को जल भैंस कहते हैं। भारतीय भैंस को जल भैंस कहते हैं। आपका सेकंड है कि विदेशी भैंस को क्या कहते हैं, तो विदेशी भैंस को आपका दलदली भैंस कहते हैं। अगला पॉइंट है विश्व की दूसरी क्लोन भैंस कौन सी है, तो विश्व की दूसरी क्लोन भैंस गरिमा है। अगला पॉइंट है कि इनकी प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं। इनमें भैंस की जो नस्लें होती हैं वह आपका मुर्रा नस्लें होती हैं, भदावरी नस्ल की भैंस होती है, मेहसाना नस्ल की भैंस होती है, तराई होता है, सुरती होता है और नागपुरी भैंस होता है, जाफराबादी होता है एवं पेंधारपुरी, ये सब नस्ल की भैंस होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व के सबसे अधिक भैंस दूध उत्पादन करने वाले देश इस प्रकार हैं क्रमशः। तो आपका भारत आता है, फिर पाकिस्तान आता है, उसके बाद आपका चीन आता है। विश्व के सबसे अधिक भैंस दूध उत्पादन करने वाले ये सब देश हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में भैंस के दूध उत्पादन करने वाले तीन राज्य, तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश राज्य आता है, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद आपका राजस्थान आता है। बकरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बकरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप लोग देख सकते हैं कि बकरी को जो निर्धन लोगों की होती है उसे कामधेनु कहा जाता है। बकरी को निर्धन लोगों की कामधेनु कहा जाता है। आकार में सबसे बड़ी जो बकरी होती है वह जमुनापारी बकरी होती है। आकार में सबसे बड़ी बकरी जमुनापारी बकरी होती है। भारत में बकरियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में बकरी की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन बकरी जो होती है, सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट में मछली की। मछली काफ़ी इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली होती है, तो भारत की सबसे सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली जो होती है वह रोहू मछली होती है। इसके बाद हम बात करते हैं शल्कविहीन मछली जो है लांची है। जो शल्कविहीन मछली होती है वो आपका लांची होता है। और विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन राष्ट्र भारत है। विश्व में जो झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादक है वह जो है भारत, राष्ट्र हमारा भारत है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मधुमक्खियों के डंक से, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। पूछा जाता है मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो फार्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं, इसमें आपकी सारंग नस्लें हैं, मूंगा होता है, खैरा होता है और छोटी भुनगा भी जो है होती है। मधुमक्खी परिवार में रानी होती है, नर होते हैं और श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी के जो परिवार होता है उसमें आपका रानी आता है, नर होते हैं और श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी की भाषा खोज के लिए प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस को नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। जो मधुमक्खी की भाषा खोज के लिए प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले और लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि भारत में तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। भारत में आपके तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। इसमें पहला है आपका मेलिपोना जो है होता है, और सेकंड आपका है ट्राइगोना होता है, और तीसरा होता है आपका एपिस होता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था यह बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सभी छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।